हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कोरोना इफेक्ट के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले मैंने कोरोना इफेक्ट के ऊपर दो वीडियोस बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। चूँकि ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट के लिए आप इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं कोरोना लॉस के ऊपर, आप उसे ज़रूर देखें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एट 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज 1.2 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। यानी 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कोरोना लॉस ट्रांसमिशन लाइन में कितना है? 1.2 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज है। व्हाट विल बी द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर सेम ट्रांसमिशन लाइन। अगर सेम ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर 60 हर्ट्ज पे सप्लाई करें तो कोरोना लॉस क्या होगा? तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि पावर लॉस जो होता है, कोरोना लॉस जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25 के। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पावर लॉस भी बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, 50 हर्ट्स पहले फ्रीक्वेंसी था, उसको मैंने ओल्ड फ्रीक्वेंसी बोला, और पहले जो पावर दिया हुआ था एट 50 हर्ट्स, उसको मैं ओल्ड पावर बोल रहा हूँ। या आप F1 F2 करके भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। यानी कि पहली जो वैल्यू दी हुई है, गिवन वैल्यू जो है, उसे F1 बोलेंगे, और जो न्यू वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है उसको आप F2 बोलेंगे। मैंने यहाँ पे ओल्ड और न्यू लिखा है आसानी के लिए। एफ न्यू की बात करें तो कितने ही 60 हर्ट्स, और आपको न्यू पावर चाहिए। तो आप इजिली, चूंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप इजिली ये रेशियो लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.36 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ओके, अगर आज के लेक्चर में हम JB गुप्ता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी कोरोना इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं, शायद 15 to 20 क्वेश्चंस हैं। आप इजीली उसको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी PSU का आप एग्जाम दें, इवन आप अगर IAS का भी एग्जाम देते हैं, UPSC का, तब भी ये मोर देन एनफ है जितना मैंने आपको कराया है वो, ठीक है। तो अगर आपके पास, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो JB गुप्ता है, न्यू वाला JB गुप्ता। एक ओल्ड JB गुप्ता था, एक न्यू JB गुप्ता, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये चैप्टर का नाम है। इसका क्वेश्चन नंबर 85 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 इज कोरोना इज, ऑप्शन इज गिवन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एयर, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, स्पार्किंग बिटवीन लाइंस। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 86 इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कोरोना, कोरोना टेक्स प्लेस एट ए वोल्टेज लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, नो, कोरोना टेक्स प्लेस एट ए वोल्टेज हायर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, यस। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, बट JB गुप्ता में जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, वो सही नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 87 गिवेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोना आर ट्रू। स्टेट फाइव स्टेटमेंट्स गिवेन है। इट कॉजेज रेडियो इंटरफेरेंस, बिल्कुल। इट एटेन्यूएट्स लाइटिंग सर्जेस, बिल्कुल। इट एम्पलीफाइज स्विचिंग सर्जेस। इट कॉजेज पावर लॉस, करेक्ट। 87 एंड फिफ्थ ऑप्शन, इट इज मोर प्रिवेलेंट इन द मिडिल कंडक्टर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंप्लॉइंग ए फ्लैट कंडक्टर कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 1, 2, 4 एंड 5। स्विचिंग सर्जेस को एम्पलीफाई नहीं करता है, उसको एटेन्यूएट करता है, सर्जेस कम होते हैं, ठीक है, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। और ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसको समझिए आप। अगर फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो मिडिल वाले में जो कोरोना लॉस होगा ज़्यादा होगा, मिडिल वाले में कोरोना लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज इसकी जो वैल्यू आती है GMD की, इस GMD की वैल्यू जो आती है वो कम होती है, इसलिए कोरोना लॉस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। आप अगर आप GMD GMR के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं। आप वहाँ जब आप अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा फेज बी का GMD कितना आ रहा था, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ GMD की वैल्यू कम होगी, GMD की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोरोना लॉस ज़्यादा होगा, मैंने इस चीज़ पर डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 88,
कोरोना इज अकम्पनाइड बाई वायलेट विजिबल डिस्चार्ज इन डार्कनेस, बी इज हिजिंग नॉइट, सी इज वाइब्रेशन, पावर लॉस, रेडियो इंटरफेरेंस, ओजोन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, ओजोन इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाई, ऑप्शन ए इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिटेक्टेड बाई ऑर्डर, हिजिंग साउंड, फेंट ल्यूमिनस ग्लो ऑफ ब्लूइश कलर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको नोट्स में आपको नोट डाउन कराया है मैंने, आप इसको ज़रूर देखिए अपने, या वो जो वीडियोस हैं जो मैंने बनाया है कोरोना लॉस के ऊपर, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। मेरे ख्याल से कोई भी बुक के आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको वही थ्योरेटिकल पोर्शन से ही मिल जाएंगे। कोरोना लॉस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी। बिल्कुल, कंडक्टर साइज अगर डिक्रीज होगा, कंडक्टर साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बिकॉज कोरोना लॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई आर एल एन डी बाई आर। ठीक है, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ई का वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर ई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कोरोना लॉस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेरे ख्याल से आप वैसे बट हमें आदत ये डालना चाहिए कि हमें चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस को आंसर देने से पहले। तो पहला आंसर हमें बिल्कुल सही लग रहा है, और इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इसमें ए आंसर होगा, 90A। 91, क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप देखेंगे, द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइंस इज टू इंक्रीज द लाइन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग आयोनाइज्ड एयर इन्वेलप अराउंड द कंडक्टर, नो। इंक्रीज द पावर फैक्टर ड्यू टू कोरोना लॉस, नो। रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस फ्रॉम द कंडक्टर, नो। रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, रिड्यूसेस द स्टीपनेस ऑफ द सर्ज फ्रंट्स, बिल्कुल सर्जेस कम होते हैं। 92, क्वेश्चन नंबर 92, कंपेयर्ड विद अ सॉलिड कंडक्टर ऑफ द सेम रेडियस, कोरोना अपीयर्स ऑन ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर एट लोअर वोल्टेज बिकॉज स्ट्रैंडिंग असिस्ट आयोनाइजेशन मेक्स द करेंट फ्लो स्पाइरली अबाउट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, प्रोड्यूस सरफेस ऑफ स्मॉलर रेडियस। बिल्कुल, स्ट्रैंडिंग की वजह से जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ हॉलो कंडक्टर्स बिकॉज द करंट डेंसिटी इज रिड्यूस, द एडी करंट इन द कंडक्टर इज इलिमिनेटेड, फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। बिल्कुल, इन केस ऑफ हॉलो कंडक्टर जो होता है, जो रेडियस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये भी चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था, रेडियस ऑफ कंडक्टर अगर इंक्रीज होगा, अभी हमने देखा अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ से अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हो रहा तो ये वैल्यू घटेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी, बट ओवरऑल जो इफेक्ट होगा डिनोमिनेटर में बढ़ने का ही होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट कम होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बंडल कंडक्टर रिड्यूसेस, ऑब्वियस ही बात है, सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज द लाइन रिएक्टेंस डिक्रीज द लाइन कैपेसिटेंस। तो द आंसर विल बी ए, सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ द कंडक्टर। बंडल कंडक्टर कर क्या रहा है, बंडल कंडक्टर यूज करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो कम हो जाता है, तो जो कोरोना इफेक्ट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बंडल कंडक्टर के ऊपर ही बनाऊंगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बंडल कंडक्टर होता क्या है, उससे क्या क्या फायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस चीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, क्वेश्चन नंबर 95, कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडेंट ऑन डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हाइट ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें जो प्रायोरिटी हमें देना चाहिए, हमें देना चाहिए डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, 95 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, कोरोना अकर्स बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर्स व्हेन दे हैव हाई पोटेंशियल, ऑप्शन ए इज हैव दे हाई पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्लोजली स्पेस्ड। बिल्कुल, जब क्लोजली स्पेस होंगे तो ज़्यादा होगा, हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज वोल्टेज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाई होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 97, इन ह्यूमिड वेदर द कोरोना ऑकर एट ए वोल्टेज मच लेस देन द नीडेड इन फेयर वेदर। बिल्कुल, बिकॉज जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास फॉर्मूला है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का, वी डी इज इक्वल टू जी नॉट डेल्टा एम इंटू आर एल एन डी बाई आर।
ये डेल्टा जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिड वेदर कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ेगा और जो प्रेशर है वो घटेगा। तो इसका मतलब है कि जो वीडी की वैल्यू होगी वो डेल्टा इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 3.92 H डिवाइडेड बाई 273 + T। ह्यूमिड वेदर कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो ये इसे डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर की वैल्यू कम होती है वो भी इसको डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो कोरोना लॉस होगा, जो कोरोना इफेक्ट होगा, वो बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज इंक्रीज्ड एनर्जी लॉस, बिल्कुल इंक्रीज्ड रिएक्टेंस, इंक्रीज इंडक्टेंस। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एनर्जी लॉस इंक्रीज होता है, ना कि रिएक्टेंस और इंडक्टेंस इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 99, द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेस लाइन करंट, इफेक्टिव लाइन वोल्टेज, पावर लॉस इन लाइंस, द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। बिल्कुल द इफेक्टिव कंडक्टिव डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 99 का आंसर डी होगा। द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना एट मैक्सिमम ड्यूरिंग ह्यूमिड वेदर ड्राइव, ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा चांसेस है बिकॉज टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है और जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो ओवरऑल जो डेल्टा है वो इम्पॉर्टेंट है। डेल्टा की वैल्यू घट रही है, क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज वैल्यू घट जाएगी, यानी कम वोल्टेज पे ही कोरोना लॉस होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, कोरोना इज अफेक्टेड बाई साइज ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल शेप एंड सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल ऑपरेटिंग वोल्टेज, यस, इन तीनों तीनों कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, कोरोना इफेक्ट 1 एंड कोरोना इफेक्ट 2। क्वेश्चन नंबर 103, द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इट प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग ल्यूमिनस ग्लो, नो, मेक्स लाइन करेंट सनोसोडल, नो, वर्क एज ए सेफ्टी वाल्व फॉर सर्ज, बिल्कुल वर्क एज ए सेफ्टी वाल्व फॉर सर्जेस, सर्जेस जो आते हैं लाइटनिंग सर्जेस हो या स्विचिंग ओवर सर्जेस है उनको वो कम करता है। तो आंसर क्या होगा 103 का, सी। क्वेश्चन नंबर 104 इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना इम्प्रूव द पावर फैक्टर, रिड्यूस द पावर फैक्टर, कोरोड्स द मटेरियल, बिल्कुल जो मटेरियल्स होगा ड्यू टू ओजोन लेयर, ओजोन की वजह से जो मटेरियल्स होंगे वो कोरोड होने लगेंगे, इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर एट NTP। NTP जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है एटमोस्फेरिक एयर की वो 30 kV/cm होता है, मैंने नोट डाउन कराया आपको। नेक्स्ट इज 106, क्वेश्चन नंबर 106, द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि वही NTP की बात कर रहा है वो, इज अबाउट 100 kV पीक पर सेंटीमीटर, नहीं 30 kV/cm होना चाहिए। तो 106 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 107, डिसरप्टिव कोरोना बिगेन्स इन ए स्मूथ सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स इन एयर एट NTP इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द कंडक्टर सरफेस गोज अप टू, देखिए यहाँ पे RMS वैल्यूज में ऑप्शंस दिए, मतलब आपको पता होना चाहिए जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का होता है RMS वैल्यू में 21.1 kV/cm होता है कुछ, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सही होगा ए, ए आंसर सही होगा बिकॉज ये RMS वैल्यू में गिवन है। अगर पीक वैल्यू की बात कर रहे होते तो 30 kV/cm विल बी द राइट आंसर। ओके ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 108, द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर ए होगा, प्रोपोर्शनल टू बैरोमेट्रिक प्रेशर। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो डेल्टा का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज होगा तो VD की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो
क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कोरोना बहुत ही जल्दी होने लगेगा अगर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने ह्यूमिड वेदर में बोला था कि कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो हम बोल सकते हैं डायलैक्ट्रिक के स्ट्रेंथ ऑफ द एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैरोमेट्रिक प्रेशर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 109, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज लोअर देन डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज? नो, हायर देन डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज? यस। जो हमने ये चीज़ देखा था कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो है उससे ज़्यादा होता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज वो सप्लाई वोल्टेज है जिस पर जो कोरोना का जो इफेक्ट है वो विजुअल होता है, जो लुमिनस ग्लो आपको दिखने लगता है उस वोल्टेज को बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1010 110 सॉरी क्वेश्चन नंबर 110, क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज्ड बाय? क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज बाय? सिंपल, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। यह चीज किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। यस, इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द कंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, यानी कि कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम होगा, यानी कि ज्यादा वोल्टेज पे होना चाहिए। जब ज्यादा वोल्टेज होगा सिस्टम का तभी कोरोना इफेक्ट होगा, यानी कि इजीली कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 111, द मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू ऑफ फेयर वेदर कोरोना लॉस ऑफ एन एचवी लाइन इज? ये डेटा वाली वैल्यू, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 2.4 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, यानी कि 111 क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है डी, कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज्ड व्हेन। क्वेश्चन नंबर 112, कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज्ड व्हेन? ऑप्शन ए, कंडक्टर साइज इज रिड्यूस्ड। नहीं, अगर कंडक्टर साइज रिड्यूस होगा तो कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड, स्मूथ कंडक्टर अगर यूज करेंगे, हाँ ये हो सकता है। शार्प पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द लाइन हार्डवेयर? नो। क्वेश्चन ऑप्शन डी, करेंट डेंसिटी इन कंडक्टर्स इज रिड्यूस्ड। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, बिल्कुल स्मूथ कंडक्टर अगर यूज करेंगे तो एम की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू ज़्यादा होगी। एम की वैल्यू स्मूथ कंडक्टर के लिए 1 होता है। सरफेस कंडीशन फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, वी डी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था, सप्लाई वोल्टेज वी फेस माइनस वी डी का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है कोरोना लॉस। अगर वी डी की वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये डिफरेंस कम होगा, लॉसेस कम होगा। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, बट वहाँ पे वैल्यूज़ जो थी वो डिफरेंट थी। ये 1.2 किलोवाट लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.2 किलोवाट है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 किलोवाट है। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है 1.13, आंसर गिवन इज 1.13, हमारा आंसर आया था 1.36, बिकॉज हमने जो लिया था 1.2 किलोवाट लिया था और यहाँ क्वेश्चन में 1 किलोवाट है, यानी सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है और यूपीएससी में भी आया हुआ है 2005 में, और गेट में आया है 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114, 114 नंबर क्वेश्चन, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सॉलिड कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी? नो, सॉलिड कंडक्टर रिड्यूस नहीं होगा। हॉलो कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी प्लस डेल्टा डी, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा डायमीटर लेके हम कर सकते हैं, या फिर बंडल कंडक्टर बी और सी, यानी बी और सी करेक्ट है, और यहाँ ऑप्शन भी मौजूद है आपके लिए बी और सी के लिए, ई ऑप्शन इज मौजूद, बोथ बी एंड सी, तो हमारा आंसर होगा ई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और अपने सजेशंस ज़रूर दें, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट है इन सारी चीज़ों से तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।